तुम गोरे होकर आए हो थाईलैंड। सही बात है। तुहानू की गया ही के कुड़ी लाभ के ले के आगा। वो तो नहीं मिली। लाभ लिए कसम जी, अल्लाह की कसम। प्यार हो गए किससे? सात आठ कुड़ी यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे व्लॉग्स को पसंद करते होंगे। तो आज है 3 अक्टूबर, तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं जुल्कनन के लिए कुछ ना कुछ हमेशा मतलब बेस्ट करूँ, लेकिन इस बार मेरी थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है कि मैं मतलब अकेले कहीं जा नहीं रही और घर में गाड़ी नहीं होती और मैं जुल्कनन के साथ कहीं जा नहीं सकती क्योंकि जुल्कनन मेरे साथ सारा दिन होते हैं, लेकिन वो 2 से 3 घंटे के लिए ऑफिस जाते हैं और उसके बाद या क्रिकेट खेलना हो वहाँ जाते हैं या कभी बाहर सौदा लेने जाना हो वहाँ जाते हैं, अदरवाइज वो मेरे साथ होते हैं, तो मैं कुछ भी ऐसा प्लान नहीं कर पाती। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जब तक मेरे में हिम्मत है, अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक और जुल्कर से आज मैं थोड़ा सा नाराज भी हूँ क्योंकि उसकी कुछ बातें मुझे बुरी लगी और उसे पता भी नहीं है कि मुझे उसकी क्या क्या बातें बुरी लगी हैं। तो अभी मेरा ये प्लान है, मैंने एक बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत कस्टमाइज सा केक बनाया है और वो केक फुल 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 जुल्कनन को डेडिकेट होता है क्योंकि जुल्कनन अपनी आम जिंदगी में बिल्कुल वैसे घर में बलून्स नहीं थे। तो मैंने ये फूड पैंडा से अभी मंगवाए हैं गुब्बारे और कुछ चीजें, तो रूम जरा गंदा हुआ पड़ा है लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसी को डिकोर करेंगे। अकेले डिकोर करूंगी, किसी की मदद नहीं लूंगी, मतलब डिकोर इतना खासा नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बलून्स लगा दूंगी, कुछ फेरी लाइट्स लगा दूंगी, केक रख दूंगी और पार्टी पॉपर से वैसे गंद पड़ता है, खुद ही साफ करना पड़ेगा तो फायदा नहीं है, और कैंडल्स लगा दूंगी। तो अभी करते हैं स्टार्ट। और कसम से मेरे साथ ऑनलाइन में धोखा हो गया, धोखा ये हो गया कि ये मैंने मंगवाए थे वो हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स, लेकिन ये कोई मेरे ख्याल से शॉपर वोपर दे चुके हैं, यार क्या करूं इसका। और ये गुब्बारे जो मैंने मंगवाए थे वो मंगवाए थे रेड और व्हाइट कलर के, लेकिन ऑनलाइन में आपको पता ना कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, बट ये सही आया, बाकी सारी चीजें खराब आई हैं, लेकिन कोई नहीं, अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक अल्फाबेट पड़ा हुआ था, मैंने ये वाले मंगवाए थे लेकिन नहीं आए, लेकिन आज 3 अक्टूबर है तो ये, और देन मेरे पास कुछ फेरी लाइट्स हैं लेकिन मेरे पास सेल कम है, तो लेट्स सी अब मैं क्या करूं। अभी ये बेड लग रहा है कुछ इस तरह से और अभी इसको करते हैं चेंज और करते हैं मेहनत। तो अभी स्टार्ट करते हैं काम करना, अभी जो है उसी से करते हैं गुजारा। बिता हुआ आज मुझे लगता है जो सरप्राइज है ना वो खराब हो जाएगा। और मैं 20 गुब्बारे फुला चुकी हूँ, 20 में से सारे फट गए, सिर्फ एक जिंदा है अभी। धोखा फुल टाइम धोखा। 20 गुब्बारे फुला चुकी हूँ और 20 में से सारे फट गए, बहुत इतना ही फट गया। आज मेरे प्लान की हो गया माँ बहन और ये कोई 25 गुब्बारे फट गए हैं और सिर्फ ये छोटी छोटी गुब्बारे रह गई हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, तो आज हम सिर्फ इसी से गुजारा करेंगे। सिर्फ यही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया, बाकी हर चीज ने मुझे धोखा दे दिया। तो काफी मेहनतों के बाद ये है हमारा कुछ डिकोर, छोटा सा सिंपल सा डिकोर। अभी आपको केक की डिटेल्स दिखाती हूँ क्योंकि जुल्कनन इसी तरह चीजें अपने इर्द गिर्द बिखेरी होती है। और ये है जुल्कनन, ये है खूबसूरत सा केक, 3 नवंबर, 50 में से कोई 4-5 गुब्बारे बचे हुए वो, और खूबसूरत सी फेरी लाइट्स। अभी मुझे इतने जोर का करंट पड़ा कि कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो गया मेरे, ये उंगली में करंट पड़ा है। मैं अभी लाइट सेट कर रही थी, तुम्हारी खातिर क्या क्या नहीं करना पड़ा। जुल्कनन अभी आ चुके हैं, लेट्स सी अभी अंदर कौन आता है कौन नहीं आता और हम तैयारी करते हैं, देखते हैं। आज फिर से ध्यान से बैठना, मुझे बहुत करंट पड़ा जोर से। क्यों पड़ा करंट? बैठ जाओ, क्या हाथ पे पड़ा दिखाऊं इस उंगली में, बैठ जाओ ध्यान से। 50 गुब्बारों में से 4 गुब्बारे और एक तुमने और फाड़ देना। ये क्या है? ये कैमरा है और आपकी लाइट के आगे आगे आपकी पीछे हो जाए। घर वाले देख रहे हैं मेरे? नहीं देख रहे। चलो ठीक है, ये केक। वाओ, थैंक यू सो मच। इसी तरह बेड़ा गरक करके बैठे होते हो। थैंक यू सो मच। 50 गुब्बारे फट गए, 60 गुब्बारे थे, 60 में से ये बस 5-7 खुले। थैंक यू सो मच। चलो पीछे पीछे चल पड़ो। अल्लाह, मेरे ख्याल से उल्टी साइड पे होंगे। फूड पैंडा वालों ने मेरे साथ वो फूड पैंडा से मंगवाया, नहीं ये मंगवाया, गुब्बारे मंगवाए हैं, हैप्पी बर्थडे वाला मंगवाया था, वो धोखा मिला उसका भी। मुझे लगता है ये खराब है, हाथ जल जाएगा।
मैं दूसरा लेके आया। मैं तो अभी क्रिकेट खेल कर आया हूँ और आते ही सरप्राइज मिल गया। वाओ वाओ वाओ। एसी चला ले। फोन फट जाएंगे। एक और फट गया। सारे फट गए। टेंशन ना लो, ये सारे खराब होंगे। मैं एक और लेके आती हूँ। रहने दो, वैसे भी नहीं काट लेते। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, अब ना भेजती। चलो जी, बिस्मिल्लाह। आखिरी थी ली है और आखिरी दफा ट्राई करूंगा। ओके, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो आज हर किसी ने धोखा दे दिया। ओ, लाइट ने भी धोखा दे दिया। लाइट भी गई। थैंक यू। लो जी जनाब, आज भी कमल बिल्कुल बात नहीं आई, बल्कि मैंने इसे तो पहला अक्टूबर चढ़ा था ना, तभी मैंने इसे मना किया था कि कमल कोई अरेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि 26 अक्टूबर को मेरी बर्थडे आती है और तुम 26 दिन मेरे लिए अरेंजमेंट करोगी तो वो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि अंदर से अच्छा लगेगा भी लेकिन बाहर से अच्छा नहीं लगता यार। जब बंदा सेंसिबल आदमी बनकर सोचता है ना, फिर बंदा कहता है नहीं यार, 26 दिन वो डेली अरेंजमेंट करेगी तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने इसे फर्स्ट डे में ही मना किया था, लेकिन वो बिल्कुल बात नहीं आई और ना ही उसने मेरी आज भी सुनी है। अभी मैंने इसे कहा है कि कमल नहीं किया करो यार, ऐसे नहीं करो। क्यों? इसकी एक वजह, इसकी वजह पता क्या है कि जब भी कमल का कोई इवेंट होता है ना, मैं हमेशा बेकार इंतजाम करता हूँ। मैं इस चीज में बहुत बड़ा फेलियर हूँ। पिछले 3 सालों से अभी तक जो भी इवेंट हमारा गुजरा है, मतलब शादी से लेकर लास्ट इवेंट हमारा गोद भराई का था, वो टोटली प्लानिंग कमल की थी। कमल ने सारी मैनेजमेंट संभाली हुई थी, बिकॉज मैं इस चीज में बहुत बड़ा फेलियर हूँ। फेलियर इसलिए हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पर करूँ, और ना ही ये समझ में आता है कि ये कैसे मैं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ अपने इवेंट को। इसलिए पिछले 3 सालों से जो भी इवेंट मैंने कमल के लिए अरेंज किया, वो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा होता था, उसे क्या अच्छा लगेगा यार। अभी मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठूं, बिकॉज़ मेरी गाड़ी गैराज में नहीं खड़ी और बंदा लेकर गया हुआ है मेरी गाड़ी। बंदा है जेबी, उसके आज दोस्त की बर्थडे पार्टी थी तो वहां पर वो गया, तो उसके पास गाड़ी नहीं थी। मैंने कहा चलो मेरी गाड़ी ले जा, और उसने मुझे जो टाइम दिया था ना कि जिस टाइम मैं वापस आ जाऊंगा, उस टाइम से भी 3 घंटे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया और मुझे बहुत 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 ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि बहुत से काम मेरे करने वाले हैं जो कि गाड़ी की वजह से स्टॉप हुए हैं, अभी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगा फिर मैं वो काम काज करूंगा। क्या पता इतनी ज्यादा रात हो जाए कि जब वो आए और सारे मेरे करने कराने वाले जो काम काज हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाए। दिए गए टाइम से 3 घंटे बाद आए हो तुम। सारी स्टोरी बता। क्या स्टोरी बताओगे? बताओ। स्टोरी ये हुई है बॉस। क्या हुई है? मुंह पे चढ़ा दे। मुंह पे चढ़ाऊंगा? बताओ क्यों लेट आए हो? यार वो उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ है ना। अच्छा, तो वो पीछे पीछे अलाइनमेंट उनकी ना आउट हो गई है गाड़ी की फुल। अच्छा, तो अब उनको मैं तो इसलिए ये बंदा लेट आया जी। 3 घंटे से मैं काम काज करने के लिए बैठा हुआ हूँ। लोगों का एहसास करता हूँ मैं। तुम लोगों का एहसास करो, हमारा कोई एहसास ना करो। ओ जी शेख साहब आ गए हो। वाह जी वाह, ये करके आए हो जनाब 20 दिन मजे उड़ा कर थाईलैंड के। क्या बात है, तुम तो पूरा थाईलैंड ही बन के आ रहे हो। गल दसा तनु, गया थाईलैंड सा कटिंग उम्र वाली करा ली। क्यों? ये क्या है, गंजा तो नहीं? वहां से पंखा उतारते हुए तो नहीं पकड़े गए? अच्छा, तेरे वीर ने पता काले वाले बाल कराया। मैं क्या उठे तो चलो ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाएगी। इतनी अम्मा घर नहीं बढ़न देगी कि मेरा मुंडा है ही नहीं, उसकी वजह से टिंड करवा कर आया। अच्छा, ये क्या है? नहीं समझ, ये तूने क्या करना है? ये क्या है? शरारत वाली शह नहीं है? ये है क्या वैसे? भजन जी, हैंडमेड जापानीज कल्चर अम्ब्रेला। क्या है? अच्छा अम्ब्रेला। अच्छा अच्छा अच्छा, जापानीज कल्चर। वाह भाई वाह, और हैंडमेड हैंड पेंटेड। बारिश रुक जाएगी वैसे? इससे बारिश नहीं रुकेगी, बारिश नीचे आ जाएगी। ये उन्होंने लगाए होते हैं ऐसे ऐसे। वाह भाई वाह, बल्ब लाना है? हाँ हाँ, इसके अंदर बल्ब लगाना है? बल्ब यार नहीं, मनु नहीं पता बल्ब कितने लाना है। बारिश नहीं करनी है। फिर ये अम्ब्रेला कैसे हुई मुझे बताओ? कैसी अम्ब्रेला जो बारिश से ही ना बचाए? वो तो नहीं मिली। कसम जी अल्लाह की कसम, प्यार हो गए किससे? सात आठ कुड़ी यार। ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आयो? ये एक और। थैंक यू यार, ये तो बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये है जी ड्रीम कैचर। दिस थिंग बिलोंग्स यार शेख को पानी तो पूछो। कमल तुम गिफ्ट पहले चेक कर, वो देखो गिफ्ट लेकर आया। पानी नहीं।
पूछ रहा हूं ये क्या है? हैवी कल्चरल चीज है, जेड नेटिव अमेरिकन नहीं होते यार, वाह 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 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਲਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾਏ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਮਤਲਬ ਇਸਕੋ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਗ ਘਰ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪੀਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਗਿਫਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਗਿਫਟ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੋ ਲੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੀਸ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਖੰਭਾਂ 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 ਕੀ ਖੰਭ ਮਤਲਬ ਖੰਭ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਸਕੇ ਪਰੋਂ ਕਾ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਾ? ਇਹ ਕਾ ਬਾਬਾ ਤੇ। ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਛਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਛਤਰੀ ਤੇਰੇ ਮੇ ਲੱਖ ਕੀ ਲਾਨਤ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦੇ ਰਹਾ ਉਹ ਦੂਏ ਬੈਂਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡਰੋਦਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਰੋਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਇਸ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹਾਥੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਹਾਥੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਥੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ। ਕਿਧਰ ਹੈ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ? ਕੱਕੜਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਣੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੈਗ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਦਾਦਾ। ਥਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, छतरी लेकर आया, ये लेकर आया और ये ट्राउजर लेकर आया। कमल, शर्ट है इसमें? शर्ट है ना, वो दूसरे बैग में। शर्ट किधर है? दूसरे बैग में यार, वो भी ले आते फिर। थैंक यू सो मच शेख। ये जी ऑर्डर किसने मंगवाया है? आपने मंगवाया? मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, तुमने ऑर्डर कर दिया था। मैं समझा शायद तुमने अपने लिए मंगवाया यार। थैंक यू सो मच यार, अगर मेरे लिए भी मंगवाया। मैं तो डाइट पर हूँ ना, मैं नहीं खाऊंगा यार, तुम खा लो। ये लो, खा लो। कसम देना भी नहीं है तो। नहीं, ना देना, सही बात है, खा लो, कोई मसला नहीं। मैं वैसे ही तुम्हें देखता रहूंगा, फिर बाद में तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। गिन सही कह रहा हूँ, खा लो। नहीं खाना, तुमने खाना नहीं है। और वो ऐसे घूर घूर के देख रहा है, मेरे बर्गर को घूर घूर कर देख रहा है ये बंदा। मैंने रोटी मंगवा ली है, चलो तुम रोटी खाओ फिर।